नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ओपन काउंसलिंग को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपका यूजी पीजी इंटीग्रेटेड सभी प्रोग्राम के लिए जो कि यहाँ पर आपका ओपन काउंसलिंग यानी कि आपका स्पॉट एडमिशन को लेकर ये अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो 21 अक्टूबर का ये अपडेट है। यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द ओपन काउंसलिंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट इफ एनी इन वेरियस यूजी इंटीग्रेटेड एंड पीजी प्रोग्राम। तो सभी के लिए यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर सीट वैकेंट रहता है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट एंड शेड्यूल यहाँ पर आपका क्या क्या है और इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। क्या आप CUET एंट्रेंस नहीं दिए तब भी यहाँ पर आप जा सकते हो, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पर आपका जो कि रहेगा अंडर ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो द कैंडिडेट विद वैलिड CUET स्कोर एंड अप्लाइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन द CUET 2022 शैल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर एडमिशन। सो दोस्तों, आप CUET एंट्रेंस को दिए हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आप अप्लाई किए हो तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पर आपको दिया जाएगा एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, हाउ एवर इन केस ऑफ सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर ऑफरिंग एडमिशन। तो एडमिशन होने के बाद और भी सीट यहाँ पर आपका रहता है वैकेंट तो टू द अबव स्टेट कैंडिडेट्स द एडमिशन विल बी ऑफर टू द कैंडिडेट्स एज पर द प्रिफरेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर फिर भी सीट रहता है, मीन्स यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा में अप्लाई किए थे और एंट्रेंस को दिए थे उसके बाद फिर भी यहाँ पर आपका सीट रहता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, द कैंडिडेट्स विद वैलिड CUET स्कोर, जिसके पास CUET का स्कोर होगा एंड बट नॉट अप्लाइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन CUET 2022। तो आप हरियाणा में अप्लाई नहीं किए थे तब आपको यहाँ पर प्रिफरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ्रेश कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम कंसर्न। तो जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका होना चाहिए उसी प्रोग्राम का, ठीक है। तो आप फ्रेश कैंडिडेट्स हो तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, आपको सीट मिलने का चांसेस रहेगा। तो ये आपका प्रिफरेंस है। फर्स्ट जो मतलब पॉइंट नंबर वन में जो भी लिखा गया है ये आपका है, उसके बाद जो कि आपका सीट रहता है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर टू का यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के पास वैलिड स्कोर कार्ड होगा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई नहीं किए हैं उनको जो है प्रिफरेंस दिया जाएगा और फ्रेश कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आपका होगा इसी प्रिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट एंड शेड्यूल फॉर फिजिकल काउंसलिंग जो कि यहाँ पर आपका रहेगा ओपन काउंसलिंग UGN इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ये है। यहाँ पर हम देखें तो डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसी जो कि आज यहाँ पर आपका डिक्लेयर होने वाला है फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो भी आपका सीट रहेगा 21 अक्टूबर आज ही आपका डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आपको 31 अक्टूबर में जो कि आपको यूनिवर्सिटी को जाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को मंडे में। यहाँ पर जो कि आप देख सकते हो 9 से लेकर 1 PM तक ये आपका जो कि रहेगा आप फॉर्म आपको देना है फिजिकली, आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके देना होगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्प्ले ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। तो कैटेगरी वाइज जितना भी सीट होगा उसका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 2 PM में डिक्लेयर होगा, उसी दिन में ही ये आपका डिक्लेयर होगा। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट ऑफ द फी 31 अक्टूबर में जो कि यहाँ पर आपको पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो नोट में यहाँ पर आपका बोला गया है, ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द स्टेटस ऑफ सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर द ओपन काउंसलिंग लेटेस्ट बाय 2 नवंबर। तो 2 नवंबर 5 PM तक जो है और भी सीट रहता है तो यहाँ पर आपका डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स को जो है रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, फिर भी सीट रहता है तो यहाँ पर सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पर आप लेकर जा सकते हो जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कीप
रेडीनेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फी इफ द एडमिशन इज ऑफर टू देम। ओके, तो यहाँ पर फिर भी सीट रहता है तो आपको जो है एडमिशन ऑफर किया जाएगा और यहाँ पर आपको तुरंत जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि है पीजी प्रोग्राम का भी यहाँ पर आपका रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम पीजी प्रोग्राम का बात करें तो आपका सेम रहेगा सब कुछ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके पास सीयूईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होगा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई किए होंगे, उनको जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा एडमिशन में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा कैंडिडेट्स विद वैलिड सीयूईटी स्कोर बट नॉट अप्लाइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उसके बाद उनको मिलेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्रेश कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर आपका रहेगा इफ सीट जो कि वैकेंट रहता है। तो यहाँ पर आप शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हो पीजी प्रोग्राम का, जो कि डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट यहाँ पर आपका फिजिकल काउंसलिंग के लिए 22 अक्टूबर में ये आपका डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा डेट एंड टाइमिंग, तो यहाँ पर जो कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना होगा 3 नवंबर में, यहाँ पर आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी में 9 से लेकर 1 पीएम तक, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है सब कुछ। उसके बाद जो कि आपका डिस्प्ले ऑफ द कैटेगरी वाइज जो कि लिस्ट यहाँ पर आपका आएगा मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर 2 पीएम में आपका डिक्लेयर होगा। उसके बाद जो कि आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखें तो ओपन काउंसलिंग के बाद फिर भी सीट वैकेंट रहता है तो सभी डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पर आपका 7 नवंबर तक ये आपका अपडेट कर देंगे सब कुछ 5 पीएम तक मंडे में 7 नवंबर। ओके, तो उसके बाद जो कि यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर आपका मतलब बुलाया जाएगा या फिर जाएंगे तो ये आपका एडमिशन उनको मिल सकता है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर 7 नवंबर में जो कि यहाँ पर आपका सीट वैकेंट रहता है तो ये आपका डिक्लेयर होगा। तो उसके बाद जो कि कैंडिडेट जो है सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। ऑल द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन, जो भी स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग के लिए गए होंगे आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडीनेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फी। तो यहाँ पर जो है आप जो है ऑनलाइन का पेमेंट जो भी आपका फ़ी है एडमिशन का, सभी आप पेमेंट के लिए जो कि है तुरंत वहाँ पर आपको देना होगा इफ एडमिशन इज ऑफर टू देम, जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन ऑफर किया जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था सब कुछ अपडेट जो कि ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड था, हम आपको बता दिए हैं यूजी पीजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। आज का वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।